और ये है हमारी विंडो से नैनीताल का मॉर्निंग व्यू कुछ इस तरीके का। और ये गुर्राता हुआ शेर हमारा बंगाल टाइगर। गुड मॉर्निंग आदू। ये तो चेन्नी है। गुड मॉर्निंग आदू। गुड मॉर्निंग बेटू। आदो कैसे कैसी आवाजें निकाल रहे बेटू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करो। क्या हुआ क्या हुआ बेटू? पॉपी कर रहा है। पॉपी आ रहा है। I know. कर लो। फेस एक्सप्रेशन से पता लगाया तुमने। कर लो। अच्छा कर लो। हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे आपको, ठीक है? कर लो आराम से कर लो। हम तो फाइनली निकलने की तैयारी हो चुकी है वापस नोएडा। थोड़ी सी मस्ती की जा रही है, थोड़ा फोटो सेशन हो रहा है अभी। अरे रुक जाओ, मुझे भी तो आने दो। आदू का और आदू के पापा का थोड़ा सा फोटो सेशन किया जाएगा यहाँ पे और फिर हम वापस नोएडा चले जाएंगे। देखो आदू बेटू लगाया इसको? लगाया था, फिर खाना खाने के बाद नहीं लगाया शायद। तो अब इस जगह को अलविदा कहने का समय आ चुका है। बाय जैकी भाई, फिर मिलेंगे अगले साल। ओके जैकी भाई। हर जगह इनके काफी सारे यहाँ पे निखिल विष्ट जी के पोस्टर लगे हैं उर्फ जैकी भाई, तो इनको बाय बाय। आगे भी वंस मोर। अरे वाह, आपको शुभकामना है, आप यहाँ पर ऐसी समाज सेवा करते रहे। बाय जैकी भाई, हम जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी लेकिन मैंने आप लोगों के साथ हाय हेलो नहीं की थी, तो सोचा कि इस ब्लॉग को स्टार्ट भी कर लिया जाए तरीके से। तो ये चल रही है हमारी कैची धाम की सीरीज़ और आज आ गया है हमारा नोएडा वापस जाने का दिन। तो मैं जैसे जैसे चीज़ें होती जा रही हैं वैसे वैसे क्लिप्स बना करके रिकॉर्डिंग्स को सेव करती जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इस बार की हमारी कितनी सही मतलब वीडियोस बन पाई हैं, क्योंकि एक तो सबसे पहला रीज़न ये है कि आदिश्री है हमारे साथ, पूरा फोकस उसी पे है, उसका खाना पीना, उसका सोना जागना सब कुछ उसके ऊपर ही है इस बार। तो बस ये है कि छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाई जा रही हूँ क्योंकि चाहती थी उसके साथ चीज़ों को कैप्चर करना। और नहीं पता मुझे कि कैसा बन रहा है वीडियो, पर ये है कि क्लिप्स बना के रख रही हूँ और जैसा भी होगा सबको मर्ज करके एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो बस वापसी है हमारी, रास्ते में है, हम लोग वरुण ड्राइव कर रहे हैं और निकल चुके हैं हम लोग अपनी मंजिल की तरफ। और मौसम एकदम से चेंज हो गया है यहाँ पर फिर से, मतलब पहाड़ों में ना इतनी जल्दी जल्दी मौसम चेंज होता है, एकदम से धूप हो जाएगी फिर एकदम से लगेगा बारिश आने वाली है। तो ये भी एक चीज़ है, पता ही नहीं चलता कब बारिश आ जाए और कब धूप निकल जाए। एक मोड़ पे बारिश है तो दूसरे मोड़ पे धूप है। मूली ले चल भाई। तो अभी हम लोग रुके हैं रास्ते में और हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से ना फ्रेश सब्जियाँ दिख रही हैं, बच्चे को कैसे उठाएं, फ्रेश सब्जियाँ दिख रही हैं, सब्जियाँ हम यहाँ से सोच रहे हैं खरीद लें। 60 रुपए गड्डी है क्या ये? हाँ ले लो, पत्ते भी होने चाहिए सब्जी बनाने के। पत्ते अच्छे। हाँ तो ले लो। दो गड्डी ले लो। हाँ ले दो, मतलब यार ज्यादा नहीं हो जाएगा? खराब हुई थी पराठे भी होना चाहिए, तो पराठे बन जाएंगे। और बताइए। एक वो टूटी हुई भी थी उसने, तुमने वो भी वैसे ही रख दी। वो देखो चलो देखो टूटी, चलो कोई बात नहीं, बदल दो भैया वो वाला। हाँ बदल दो, ये तो शलगम है जिसमें पत्ते भी ठीक है। हाँ ये ठीक है, ये रखो। और क्या लेना है? और रुको 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 भैया, लौकी फ्रेश है क्या? एक ये भी उठा लो, पम्पकिन। वरुण कैसे दे रहे हो?
ये लो कद्दू उठाओ यहाँ से। कद्दू कौन सा लेना? इसमें देखो कौन सा सही है पीस। सारे ठीक है। हाँ तो एक ले लो, ज्यादा क्यों लेना? ये वाला ले लो। तो ज्यादा मत लो, एक ले। कद्दू क्या भाव है भैया? तुमने शिमला मिर्च देखी सारी साफ थी ना? शिमला मिर्च ये साफ है ना, कोई खराब तो नहीं डाली है। एक गलती है तो बाकी सब गला देती है फिर वो। हाँ हाँ, ऑर्गेनिक लहसुन है ये भी ले। अदरक भी अच्छी है, सूखी है। कहाँ है अदरक? कहाँ है अदरक? सूखी अदरक और अच्छा। थोड़ी सी अदरक भी ले लो। और क्या लेना? ये है पहाड़ी खीरा यहाँ पे। ₹80 किलो पहाड़ी खीरा। खीरा पूरी लौकी है। हाँ तो ऐसे ही होता है पहाड़ी खीरा, वो वाला वो थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, पक चुका है, वो थोड़ा कम है। ले लो, ले लो एक ले लो। चलो कितने पैसे हो गए? ओके। तो अभी हम लोगों ने जिन भैया से सब्जी खरीदी थी, फ्रेश सब्जियां खरीदी थी, उनके पास ना स्कैनर नहीं था, तो हमारे पास कैश बिल्कुल भी नहीं था। तो हम उनको अपने साथ बिठा करके लेके आए हैं, थोड़ा सा दूरी पे गाड़ी में बिठा के लेके आए। उन्होंने बोला मेरा कोई नोन है, वो आगे यूज़ करता है, आप उनको पेमेंट कर दो। तो अभी वरुण वही कर रहा है, पेमेंट कर रहा है वरुण इस तरफ। तो यहाँ पर वरुण आया है उनके साथ और उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी है यहाँ पर कि यहाँ पर ना जगह जगह पे इस तरीके से लोकल लोग बैठे रहते हैं सब्जियाँ लेकर के, और फ्रेश सब्जियाँ ये लोग सेल करते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये चीज़ देख के ना। और हम जितनी बार भी आते हैं ना नैनीताल, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ फ्रेश खरीद के ले जाएँ। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें खरीद दी, मूली खरीद ली हमने, 2 बंडल तो मूली ले लिए, पहाड़ी खीरा हमें मिल गया, लौकी ले ली हमने, अदरक ले लिया और लहसुन ले लिया, ऑर्गेनिक लहसुन जो होता है, और क्या क्या लिया हमने, कद्दू लिया हमने, कद्दू ले लिया, काफी सारी सब्जी ले ली। और कितने पैसे लगे? लहसुन अदरक ₹300, खीरा ₹300 लिए ना। और इतनी सारी फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियां वो भी ₹300 में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं के पास है, अभी हम लोग जब आ रहे थे ना तो और भी लोग बैठे हुए थे लेकर के। तो ये चीज़ अच्छी है यार, इन लोगों से खरीद लिया करो जब भी आते हो ना पहाड़ों में, फ्रेश चीजें। अरे वहाँ हिंडन के नाले का पानी का सब्जियाँ, मोल भाव बिल्कुल, बार्गेन तो हमने बिल्कुल किया ही नहीं कि भैया कम करो। वैसे पहाड़ों में रोजगार की कितनी प्रॉब्लम है आप लोग जानते ही हो, और हम लोग कितनी गंदी सब्जियां वहाँ हिंडन के नालों की खा रहे हैं, उनसे कहाँ बार्गेन करते हैं यार हम लोग जब नोएडा। तो दबा के मूली के पराठे बनेंगे कुछ टाइम, और मूली के पत्तों की सब्जी बनने वाली है। मतलब ये चीज़ मुझे बेस्ट लगती है, पता नहीं क्यों, जब फ्रेश सब्जियां मिल जाती है ना पहाड़ों से मज़ा आ जाता है। और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है अब तो, जैसे जैसे हम जाने लगे हैं। देखे ना लंगूर और बंदर तो यहाँ पर बहुत है, मज़ा आ गया सब्जियां लेके। तो और आदिश्री सो चुकी है, जब हम लोग निकले थे ना, हमने जब चेकआउट किया था तब से ही ये सो रही है और अभी भी ये सोई रही है। मेरा मन तो अभी भी ये कर रहा है, जितनी भी मुझे सब्जियां दिख रही है ना ऐसे, कि और खरीद लूँ और खरीद लूँ, कुछ तो और खरीद ही लूँ। तो 12 बज चुके हैं दोपहर के, और लंच तो हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ना कुछ अच्छा सा जाने से पहले खा लेते हैं पहाड़ी कुछ, मतलब लंच हम लोग कर लेते हैं प्रॉपर, क्योंकि वरुण का बड़ा मन है कुछ पहाड़ी लंच करने का। और रास्ते में गाड़ी रोकने से बेटर है कि अभी कुछ खा लेते हैं। वैसे नाश्ते में हम लोगों ने पराठे तो खाए ही थे, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि अगर कुछ खाना ही है तो यहीं पहाड़ों पे खा लेते हैं, क्योंकि हमें फ्रेश भी मिल जाएगा यहाँ पर। आगे जाके किसी ढाबे पे हाईवे पे रोकने से अच्छा है कि पहाड़ों पे ही कुछ खा लेते हैं फ्रेश बना हुआ। क्यों, क्या कहते हो? हाँ पहाड़ों पे ही खाएंगे यार, तो यहाँ से जाने के बाद पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा पहाड़ पे आने का। मौका तो मिलेगा, ऐसी बात तो नहीं है, पहाड़ों पे तो शायद मौका हो सकता है अगले महीने ही मिल जाए। पहाड़ों पे वैसे तो अपना घर ही है, ये यहाँ आने की बात कर रहे हो? हाँ मतलब कुछ फ्रेश सा खाते हैं। हाँ तो फिर एक काम करो, जल्दी से कोई जगह देखो। खाना क्या है ये बता पहले, डिसाइड पहले। मैं तो सच बात बोलूँ तो मेरा कढ़ी चावल खाने का मन है। कढ़ी चावल खाने, कढ़ी चावल मतलब ऑथेंटिक पहाड़ी। यहाँ पर पूछूँ क्या?
लगता है तुम्हें यहाँ मिलेगा? भैया कड़ी चावल मिलेगा? हाँ ओ ठीक है, तो यहाँ तो कड़ी चावल हमें मिले नहीं, कहीं और देखते हैं। दाल चावल नहीं खाने, कड़ी चावल या अच्छे से राजमा चावल पहाड़ी। कान हो रहे हो एयर प्रेशर से ना? मेरा कुछ नहीं हो रहा अभी तक फिलहाल ऐसा। फाइनली हमें मिल गए हमारे ऑथेंटिक पहाड़ी कड़ी चावल, जिसे खाने के लिए हम लोग अब उतरेंगे। चलो भैया चलो। तो यहाँ पे आ गया है मेरा कड़ी राइस, साथ में बन रहा है आधे शेक लिए सेरेलैक होम मेड, और उनकी चाय। ये रहा अपना बितलू। बितली बेटा चलो खाना खिला दे आपको। थैंक यू। आहा मकाना पाउडर खा रहा है? मकाना आहा एंड पोहा मिक्स। आप खाओ अच्छे से, फिर पापा मम्मी खाएंगे। खिला लेंगे तो रास्ते में गाड़ी रोकनी पड़ेगी। कैसे लगे कड़ी चावल वरुण? अब मानते हो ना जो मैं बोलती हूँ सही बोलती हूँ? थोड़ा सा वेट किया और देखो बढ़िया है। अब तुम खा लो फटाफट से, आदिश्री ने भी खा लिया, फिर मैं खाऊंगी। मस्ती चल रही है, मस्ती चल रही है आदिश्री की, आदिश्री की मस्ती चल रही है भाई, मस्ती। बढ़िया सा कढ़ी चावल खा लिया, बहुत अच्छा बना हुआ था यहाँ पर, मुझे बहुत पसंद आया। जैसा मैं खाना चाहती थी बिल्कुल वैसा ही कढ़ी चावल हम लोगों को मिला यहाँ पर, पहाड़ी ऑथेंटिक फूड। और खाना खा के अब हम लोगों ने सोच लिया आदिश्री को भी खाना खिला दिया। भट्ट रेस्टोरेंट, अच्छा मैंने, हाँ तो हम लोगों ने बढ़िया यहाँ पर लंच कर लिया है अपना, आदिश्री को भी खिला दिया हम लोगों ने खाना। अब सोच रहे सीधे अब घर के लिए निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते में कहीं पर चाय पी लेंगे एक बार रुक करके, नहीं तो अब सीधे नोएडा ही रुकेंगे। क्यों भाई? हाँ हाँ यार, चाय पियेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और घर से 100 किलोमीटर दूर के आसपास पियेंगे, गढ़गंगा वगैरह क्रॉस करके ना। और ये देखो आदिश्री 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 परेशान कर रही है कब से। आप तो परेशान तो नहीं कर रही हो भाई? मम्मा को बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है अभी, इसको बाहर देखना है। अच्छे से बैठ गई है वो बेचारी, हाँ परेशान कर रही। तो पहुँच चुके हैं हम लोग भी नैनीताल से नोएडा, और ट्रैफिक में फंसे थोड़ा बहुत, और स्मॉग और पोल्यूशन से बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रखा है तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए ऐसा लग रहा है हमें। आदिश्री यहाँ पर इरिटेट हो रही है, उसे भी समझ में आ चुका है कि वो इरिटेटिंग नगरी में पहुंच चुकी है। क्यों आदिश्री, उसे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ बिल्कुल भी आकर के। तो बस इस व्लॉग को भी अब हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।